मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया सुबह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज पूरा देश कल्याण सिंह जी को याद कर रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात उनका निधन हो गया था। एक कद्दावर नेता, बीजेपी के अच्छा राजनीतिक सफर तय करने वाले, और हर कोई उन्हें प्यार करता है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष। एक बहुत अहम भूमिका रही है भाजपा में पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं उनको उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, कल्याण सिंह जी के आवास की ये तस्वीरें जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। इसके बाद आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर विधानमंडल कार्यालय में रखा जाएगा, और वहां पर 1 बजे तक जो भी दर्शन करना चाहते हैं उनके वो दर्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के आवास पहुंचे हैं और यहां पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि करनरोना में उनका अंतिम संस्कार होगा, अंतिम संस्कार की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और आज दर्शन करने के लिए जो भी अंतिम दर्शन करने के लिए आना चाहता है वो आ सकता है, और आम जनता भी दर्शन कर सकती है कल्याण सिंह जी के। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी को दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने भी कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। कल्याण सिंह जी के आवास की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी के निधन पर, आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास में रखा हुआ है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं। और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। बता दें आपको कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और पूरे देश में उनके निधन से शोक की लहर है, और परिवार को भी आपको बता दें कि ढांढस बंधाया यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी का आपको बता दें कि शनिवार रात निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कल्याण सिंह जी भारतीय राजनीति में हमेशा एक बड़े और ताकतवर नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका, यूपी में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में उनका योगदान, देश के सबसे बड़े राज्य का 2 बार सीएम बनने का गौरव, कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में सब कुछ पाया है। 90 का दौर तो उनकी राजनीति के लिहाज से काफी खास रहा। उन्हीं सालों में उन्होंने 2 बार यूपी की सत्ता भी संभाली और मंदिर आंदोलन को उधार भी दी।
उस दौर में कल्याण सिंह जी बीजेपी के एक दिग्गज नेता थे, ऐसे नेता जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे ज्यादा माना जाता है। उनका भाषण देने का अंदाज भी उन्हें लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रखता था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ पहुंचे। हमने कहा कल्याण सिंह ने नाम को सार्थक किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निधन हो गया। एसटीपीजीआई में उनका निधन हुआ। वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में, आपको बता दें, भर्ती थे। डॉक्टरों ने बताया कि सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ है। वो 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधे कल्याण सिंह जी के मौलवेन्यू आवास पर पहुंचे और यहां पर अंतिम दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक दिन का शोक घोषित किया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद सोमवार को उत्तराखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे और पहले से ही बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।